Hello everyone, welcome to Math Solution. I am here to solve your math problem. Chapter number 1, Knowing Our Numbers. लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स. अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 730 एंड 998. इसे राउंडिंग ऑफ करना है. 730 का हम पहले करेंगे राउंड ऑफ. 730 इज इक्वल टू कितना बनेगा. इसे चेक कैसे करना है, आपने पीछे वाली सेकंड फिगर चेक कर ली है आपने. 3 है ना, तो 3 जो है वो 5 से कम है. आपने क्या करना है, 730 में से 30 लेस कर देना पीछे वाले. ये आ जाएगा आपके पास 700. तो हमारा राउंड ऑफ निकल आ जाएगा 700. नेक्स्ट हमारे पास है 998. हम यहाँ पे लिखेंगे राउंड ऑफ 998 इज़. इसे चेक कैसे करना है, आपने फिर से इसकी सेकेंड वाली फिगर को चेक करना है. ये देखिए 998. सॉल्व वैसे ही करना है पहले स्टार्ट में. ये 9 है, इसमें से 98 को मैंने लेस कर दिया, मेरे पास आ गया 900. अगर आपका ये 5 या 5 से अबव हो तो क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 प्लस करना है. अगर 5 से नीचे है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर कुछ नहीं करना. फिर आपने सिंपली आप उतना लेस करके 700 आ जाएगा. अगर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 प्लस कर दिया क्योंकि ये 5 से अबव है. आपने सेकेंड वाली फिगर चेक करनी है हंड्रेड्स में, ये याद रख लेना. हंड्रेड्स में सिर्फ ये रूल हो जाएगा पहले 0, 0, 9, 9, 1, 1000. तो इसका राउंडिंग ऑफ हमारे पास आ जाएगा 1000. ठीक है, अब इन्हें उसने बोला था इसे प्लस भी करना है. प्लस कैसे करेंगे, मेरे पास वैल्यू है 1000 और 700, हम इसको प्लस कर देंगे 0071. तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड सम क्या आ गया, हमारे पास ये हमारा एस्टिमेटेड सम है. इसे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सम. ये आंसर है. ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. ये आपने हमेशा याद ही रखना है कि 1, 2, 3, 4 है तो फिर आपने 1 प्लस नहीं करना है. अगर आपका है 5, 6, 7, 8, 9 तक, यानी कि आपके पीछे वाली हंड्रेड में पीछे वाली सेकेंड फिगर को चेक करना है, फिर आपने 1 प्लस कर देना है. पहले उसको माइनस कर देना पीछे वाली दोनों फिगर्स और उसमें 1 प्लस कर दिया, 1000. नेक्स्ट फिगर हमारे पास है 796 माइनस 314. इसका एस्टिमेटेड निकालते हैं. पहले हम लिखेंगे राउंड ऑफ 796 इज इक्वल टू, सॉल्व यहाँ करके देखें दोबारा से. 796 इसकी सेकेंड फिगर चेक करनी है, ये भी याद रखना. पहले तो 96 को लेस कर देना इसमें से, हमारे पास आ जाएगा 700. अब क्या करना है, अगर ये 5 से अबव है या 5 है तो इसमें 1 प्लस भी होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 800. तो इसका राउंड ऑफ हमारे पास 800 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास फिगर है 314. 314 में सिंपली 14 को लेस कर देना है क्योंकि ये 5 से लेस है. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 300. तो इसका राउंड ऑफ लिखेंगे हम राउंड ऑफ 314 इज इक्वल टू 300. ठीक है, इसने बोला माइनस करने के लिए बोला हुआ है ना, इसे हम यहाँ पे इसको लेस करेंगे. हम लिखेंगे 800 में से 300 लेस किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 008. में से 3 लेस किए, हमारे पास आएगा 500. तो ये हमारा जो एस्टिमेटेड आंसर निकल आएगा हमारे पास. ठीक है, हम लिखेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस. ये आंसर आपका आ गया 500. ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 12,904 प्लस 2,800
88। अब ये 1000 वाला आ गया। इसमें एक और चीज़ नोट कर लेना कि इसमें थर्ड वाली फिगर चेक करनी है, 100 में सेकेंड वाली और 1000 में थर्ड वाली। तो हमारे पास यहाँ का राउंड ऑफ कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे राउंड ऑफ 12,904 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इधर हम सॉल्व करके देखते हैं, 12,904। इसमें क्या करेंगे, पीछे वाले तीन फिगर्स को माइनस करेंगे, 904 को 0, 0, 0 और ये 12,000 आ जाएगा। और क्या करना है आप, क्योंकि ये 5 से अबव है थर्ड वाली फिगर, इसलिए हम इसमें 1 प्लस भी करेंगे और इसमें प्लस होगा वह 12 के अंदर, 2 के नीचे लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, 0, 2 और 1, 3 और हमारे पास आ गया 13,000। तो इसका राउंड ऑफ हमारे पास निकला 13,000। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है राउंड ऑफ 2,888 इज इक्वल टू, देखिए इसको भी इधर सॉल्व करके देखते हैं हम, 2888। इसमें पीछे वाले तीन फिगर को माइनस करेंगे, पहले हमारे पास आ जाएगा 8 से 8, 0, 0, 0, 2 और 2 में हम 1 प्लस कर देंगे, 0, 0, 0, 2 और 1, 3, 3,000। तो हमारे पास ये आ जाएगी फिगर 3,000। ठीक है, अब इसको उसने प्लस करने के लिए बोला, हम यहाँ पे क्लियरली करेंगे, हम हमारे पास वैल्यूज़ पहले आई हैं 13,000, दूसरी आई है 3,000, इसे हम प्लस करते हैं, 0, 0, 0, 3 और 3, 6 और 1, हमारे पास आएगा 16,000 प्लस करके, ये हमारा आ गया एस्टीमेटेड सम। समझ आ गया ना, यहाँ पे याद रखना, हंड्रेड्स में पीछे वाली दो फिगर को चेक करना है और थाउजेंड में पीछे वाली तीन फिगर को चेक करना है, उसमें सेकेंड हंड्रेड वाले में सेकेंड चेक करना है और थाउजेंड वाले में थर्ड वाली फिगर चेक करनी है। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 28,292 माइनस 21,496। पहले इसका राउंड ऑफ निकालते हैं, ये थाउजेंड्स में है ध्यान रखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं पहले, 28,292। देखिए मैंने पहले ही आपसे बोला था कि पीछे वाली तीन फिगर लेनी है और ये थर्ड वाली फिगर को चेक करना है, ये हमारा 5 से नीचे है, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें से ये पीछे वाली तीन माइनस कर देने, बस 0, 0, 0, 8 और 2, ये हमारे पास इसका राउंड ऑफ निकल आएगा 28,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास राउंड ऑफ 21,496 इज, ये भी थाउजेंड्स के अंदर है, अब यहाँ पे हम इसे लेस करते हैं 21,496। अब इसका थर्ड वाला चेक कर लो, ये भी 5 से लेस है, कुछ नहीं करना है आपने, पीछे वाले तीन जो फिगर्स हैं वो माइनस कर देनी, 496 को लेस कर देना, बस 0, 0, 0, 1 और 2, ये मेरे पास आ गया 21,000। इसका राउंड ऑफ आया 21,000 और इसने हमें इसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ पे हम क्लियरली करते हैं, डिफरेंस 28,000 और 21,000 को उसमें से लेस कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 और 8 में से 1 लेस किया 7, और इसका तो कुछ नहीं, 2 में से 2 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, हमारे पास ये एस्टिमेटेड डिफरेंस निकल आया। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये वाला जो आपका चार थे क्वेश्चन इसमें है ना, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं।
आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियरली मैंने आपको एक एक स्टेप जो है वो प्रॉपर करके दिखाया है और आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको कोई मुश्किल आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।